ये जो तीन शब्द हैं, आत्मा, अहम और मन, इनको समझेंगे। आत्मा क्या है, कौन है जिसे आत्मस्थ कहा जाता है, कब किसी को कह दिया जाता है कि वह अब आत्मस्थ है, आत्मस्थ में और संसारी में अंतर क्या है, इन तीन शब्दों में सब कुछ समाया हुआ है। संसार भी और सत्य भी, एकता भी और अनेकता भी। मन भी आप हैं, आत्मा भी आप हैं, एक भी आप हैं और अनेक भी आप हैं। तो मन से शुरू करते हैं। ये जो सारा संसार है, ये जो इतना बड़ा फैलाव है, ये जो भेद हैं, इतना अंतर है, ये सब कुछ मन के स्तर पर होता है, मन के तल पर होता है। घर के अंदर भी दो लोगों में अंतर है, पड़ोसी में और आप में अंतर है, दूसरे देश के व्यक्ति में और आप में अंतर है। ये जो अंतर है, ये सिर्फ मन के तल पर अंतर है। अब अगर आप मन से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, आप अगर आते हैं अहम वृत्ति के तल पर, वृत्तियों के तल पर, जिन्हें हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, मद, मात्सर्य, ये जो वृत्तियां हैं, इसके तल पर अगर आप देखें तो आप में और बाकी सब में कोई अंतर नहीं है। तो मन के तल पर उतरकर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि अनेक हैं, हर व्यक्ति अलग है, हर तरफ भेद ही भेद हैं। और इसी के कारण फिर अलगाव पैदा होता है, इसी के कारण हम एक को अपना और एक को पराया कह देते हैं, भेदभाव में जीते हैं, इसी के कारण सारी लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला दूसरा है, क्योंकि हम मन के तल पर जीते हैं, हमें लगता है कि हमारा मन जो कहता है वही सही है, जबकि मन से बड़ा झूठा और कुछ नहीं। जो लगता तो है कि है, पर है ही नहीं। आपका मन है, मन क्या है? वही आपके अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी संस्कार, आपकी स्मृतियाँ, आपने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी देखा, सुना, जाना, समझा, पाया, आपके सुख दुख, वही सब तो आपके मन में भरे हुए हैं, वही आपका मन है। और ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्योंकि जिसको जैसा माहौल मिला, जैसा परिवेश मिला, जैसा वातावरण, जिसके जैसे अनुभव रहे, उसके मन का निर्माण उसके अनुसार होता चला गया। एक अमीर घर के बच्चे का मन अलग तरीके का होगा, एक गरीब घर के बच्चे का मन अलग तरीके का होगा, भारतीय का अलग तरीके का होगा, अमेरिकी व्यक्ति का अलग तरीके का होगा, एक धर्म के व्यक्ति का मन अलग तरीके का होगा, दूसरे धर्म के व्यक्ति का मन दूसरे तरीके का होगा। तो ये जो सारे भेद हमको दिखाई देते हैं संसार में, ये सब भेद सिर्फ मन के तल पर हैं। क्यों? क्योंकि मन निर्मित होता है हमारे अनुभवों से, हमारे ज्ञान से, और ये सब होते हैं सीमित। और जहां सीमाएं हैं, वहां द्वंद होता है, वहां भेद होते हैं, वहां द्वेत होता है, वहां खिंचाव होता है, तनाव होता है, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, सब होता है। तो जब तक आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संबंध में स्वयं को या इस संसार को, इस संसार के लोगों को मन के तल से अगर देखेंगे तो आपको हर व्यक्ति अलग नजर आएगा। आप सच्चाई को देख नहीं पाएंगे, और ऐसा हमेशा होता रहा है और हो रहा है। इसीलिए हम इतने परेशान रहते हैं, इतने भ्रमित रहते हैं, इतने धोखे खाते हैं, क्योंकि होता कुछ और है और हम उसे कुछ और जान लेते हैं। और इसके ऊपर क्या है? वृत्ति, वृत्तियां। अब आप देखो कि मन के तल पर आप अलग हैं। एक व्यक्ति है जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है, मान लो अगर हम लालच की बात करें तो उसको 10,000 वो कमाता है, उसको 20,000 की नौकरी चाहिए। एक व्यक्ति है जो 50,000 कमाता है, उसको 1,00,000 वाली नौकरी चाहिए। और एक व्यक्ति 1,00,000 10,00,000 कमाता है, उसको 1,00,00,000 वाली नौकरी चाहिए। ठीक, मन के तल पे सब में अंतर है, सब में भेद है। किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, सबको अलग अलग कुछ ना कुछ चाहिए।
लालच, पर क्या ऐसा है कि किसी एक में है? लालच की वृत्ति तीनों में है, चाहे उसे 20,000 चाहिए, चाहे 1,00,000 चाहिए, चाहे उसको 1 करोड़ चाहिए, पर लालच तीनों में है। जहां पर वो है वहां वो संतुष्ट नहीं है, बजाय इसके कि अभी भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अगर 1,00,000 में किसी की आवश्यकताओं की, 50,000 जो कमा रहा है उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है 50,000 में, तो जो 10,000 कमा रहा है वो 20,000 की मांग क्यों कर रहा है? उसको भी फिर 1,00,000 की मांग करनी चाहिए या फिर 1 करोड़ की करनी चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति अभी भी हो रही है और 20,000 में भी हो जाएगी। बस ये लालच है, ये लालच की वृत्ति है जो और की मांग करती है। ज़्यादा कमाने में समस्या नहीं है, समस्या लालच है। इसीलिए तो 1 करोड़ कमाने वाले का भी फिर पेट नहीं भरा पाएगा, फिर उसे 10 करोड़ चाहिएंगे, 100 करोड़ चाहिएंगे। तो अब आप देखिए कि जो सारा संसार है इसमें वृत्ति के तल पर अगर आप देखेंगे तो क्रोध आप में है और बाकी हर व्यक्ति में भी क्रोध है। अब बताओ कोई व्यक्ति क्रोध में अगर कुछ करता है तो आप उसको आप अपने से अलग कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति गलत है? हो सकता है वो एक बात पर क्रोध करता है, आप किसी और बात पर क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध तो आप भी करते हैं ना, तो वो आपसे फिर अलग कैसे हुआ? इसी प्रकार जब आप किसी को पीड़ा देते हैं तब आप ये ख्याल क्यों नहीं करते कि जिस तरह पीड़ा में आपको दुख होता है, आपको दर्द होता है, वैसा ही उसको भी हो रहा होगा, तो मैं उसको पीड़ा क्यों दूं? क्योंकि वो और मैं अलग तो हूं नहीं, क्योंकि जो वृत्ति उसमें है वही मुझ में भी है, तो जो दुख उसे होगा वही मुझे भी होता है, जो मुझे होता है वही उसे भी हो रहा होगा। तो अगर आप इस तरह से देखें तो फिर आप किसी के साथ बुरा कैसे कर पाएंगे? हम इस तरह से देखते नहीं हैं, इसलिए आज तक सारे युद्ध, सारी लड़ाइयां होती रही हैं। फिरंगियों ने, अंग्रेजों ने भारतीयों को दूसरा समझा मन के तल से, क्योंकि वो जीते थे, इसलिए वो इतना यहां पर अत्याचार कर पाए। जो भी आए यहां पर लूटने, मारने, पीटने विदेशी, वो क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि वो सिर्फ मन के तल पर जीते हैं और मन के तल पर भेदभाव होता है, अनेक होते हैं, अलगाव होता है, परायापन होता है, अपनापन होता है। लेकिन अगर आप जान लो कि वृत्तियों के तल पर तो आप सब एक ही हो, अगर आपको चोट दी जाए, पत्थर मारा जाए, तो आपको जैसा दर्द होगा वैसा ही दूसरे को भी दर्द होता है। क्रोध आपको आता है, उसको भी आता है, लालच उसमें है और आप में भी है, अपने बच्चों के प्रति मोह आप में भी है, उसमें भी है, अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति आप में भी है, उसमें भी है। तो ये जो वृत्तियां हैं ये सब जो हैं हर व्यक्ति में समान होती हैं। तो जब आप इस संसार को देखें, लोगों को देखें, तो उनको देखें कि आप और वो अलग नहीं हैं। जो भेद दिख रहे हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर हैं, गहराई में आप सब एक ही हैं, न मैं, न आप, न कोई और, कोई भी अलग नहीं है। और जब तक हम मन के तल पर जीते हैं या इन वृत्तियों के चलाए चलते हैं, तब तक हम कुछ होते हैं। हम कुछ होते हैं माने कुछ बने बैठे होते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब जो भी हम बने बैठे हैं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, या मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, मैं हिंदू मुस्लिम हूं, मैं इस जात का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमरीकी हूं, कुछ ना कुछ हम बने बैठे होते हैं। कब तक? जब तक हम मन के तल पर या वृत्तियों के तल पर जीते हैं। फिर आत्मा कौन है? आत्मा क्या है? किसे आत्मस्थ कहा जा सकता है या किसे कहा जाता है? कृष्ण कौन है? वो जो वृत्तियों को जानकर इनसे ऊपर उठ गई है, उस चेतना को आत्मा कहते हैं। वह चेतना जो इन वृत्तियों में ही लिप्त है और इनके अनुसार ही चलती है। अहम वृत्ति क्या है? वृत्तियां कह सकते हो मन, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह। अगर आप इनमें बह जाते हैं और इनके अनुसार ही आप संचालित होते हैं, माने आपकी चेतना, तो आप अहम होकर के जी रहे हैं। पर यही चेतना जब वृत्तियों के चलाए नहीं चलती, मन के चलाए नहीं चलती, जब इन सारे भेदभावों से ऊपर उठ जाती है, जब इन वृत्तियों को जानकर इनसे भी ऊपर उठ जाती है और इनका सिर्फ साक्षी रह जाती है,
तब उस चेतना को ही आत्मा कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि वृत्तियों से लिप्त चेतना ही मन है, और जो वृत्तियों से लिप्त नहीं है सिर्फ उसका साक्षी भर है, या कहो साक्षी भी नहीं है, बस वो मुक्त है इनसे। क्योंकि अगर वो साक्षी भी रहती है तो वहां पर भी द्वैत बना हुआ है ना, कि एक तो वो स्वयं है और दूसरा वो जिसका साक्षी है। तो वह चेतना जो इन वृत्तियों से मुक्त है वो आत्मा है। तो अब आप आत्मा की जैसे हम कल्पना करते हैं कि कोई ऐसी चीज होगी अंदर बैठी होगी, वो निकलती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है आत्मा। कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो, पर कृष्ण फिर भी आत्मस्थ हैं, क्योंकि उस शरीर के माध्यम से जो चेतना अर्जुन को ज्ञान दे रही है वो वृत्तियों में लिप्त नहीं है, वृत्तियों के चलाए नहीं चलती हैं। वृत्तियों के चलाए देखो अर्जुन चल रहा है, कैसे, वो मोह से ग्रस्त है। मोह क्या है, वृत्ति है ना, मोह की वृत्ति है, और अर्जुन मोह में फंसा पड़ा है। यही तो है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसके अनुसार हम सब संचालित होते हैं। दिख रहा है सामने कि अधर्म है, फिर भी अर्जुन मोह के अनुसार ही चल रहा है, मोह में पड़ा है, भयभीत है। और जब शुरू में आया था दौड़ा दौड़ा, तब बड़े क्रोध में था, तब भी वो मोह से ही ग्रस्त था, तब भी क्रोध से ग्रस्त था, वृत्ति से ग्रस्त था, तब भी वो वृत्ति के चलाए ही चल रहा था। इसीलिए तो हकीकत का जब सामना किया तो कांपने लग गया। और कृष्ण वृत्तियों से ऊपर खड़े हैं, जो चेतना है कृष्ण के रूप में वह आत्मा है, और वही तुम्हारा भी स्वभाव है। तो आत्मस्थ होने के लिए पहाड़ पर नहीं जाना है, भूखे नहीं रहना है, सब कुछ त्यागना नहीं है। आत्मस्थ होने के लिए स्वयं का अवलोकन करना है, स्वयं के प्रति सजग रहना है कि ये जो मन है ये किस तरह से चल रहा है, ये किस तरह से संचालित हो रहा है, कौन इसे संचालित कर रहा है, वृत्तियां इसे संचालित कर रही हैं या ये सत्य से आत्मा से संचालित हो रहा है। और आत्मा से संचालित होने का अर्थ क्या है, वृत्तियों से संचालित ना होना ही आत्मा से संचालित होना है। क्योंकि आत्मा कोई चीज नहीं है, जब आप वृत्तियों के अनुसार नहीं चलते हैं। देखो मन के तल पर हम सब कितने सारे भेदभाव में जीते हैं, वृत्ति के तल पर तो हम सब एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। और जब आत्मस्थ हो जाते हो तब आप कुछ नहीं होते हो, कुछ नहीं हो जाना ही आत्मा हो जाना है। जब तक आप कुछ हो तब तक आप कुछ हो, तब तक आप कुछ ना कुछ बने बैठे हो, आप आत्मा हो ही नहीं। जब आप कुछ नहीं हो जाते हो, जब आप कुछ नहीं में स्थापित हो जाते हो, तब आप आत्मा हो जाते हो। उसे आत्मा कहते हैं जो कुछ नहीं में स्थापित हो गया। जब तक ये चेतना कुछ होने कुछ बनने के लिए आतुर है तब तक वो अहम ही है। तो हम देखो कितना भेद है, अगर मन के तल पर जीते हैं सब कुछ लड़ाइयाँ सारे भेद सब कुछ यहीं पर हैं, वृत्ति के तल पर हम सब एक हैं। और जब हम आत्मा हो जाते हैं तब कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं होता तो कोई भेद नहीं होता, इसीलिए फिर वहाँ पर अनेक नहीं होते, इसीलिए आत्मा को एक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं हो जाया जाता है। जहाँ कुछ नहीं है कोई भी, तो वहाँ द्वैत या अनेक या अनंत कैसे हो सकते हैं, वहाँ आत्मा मात्र रहता है। जैसे चार पांच गुब्बारों में हवा भरी हो और सब में एक साथ हम सुई चुभा दें और सारी हवा आसमान में मिलकर एक हो जाती है और आसमान मात्र रह जाता है, इसी तरह आत्मा के तल पर, चेतना की उस ऊंचाई के तल पर, चाहे बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, कोई भी हो, वो एक ही हैं, कोई भेद नहीं। तो अपने पूरे 24 घंटों में आप जो कुछ भी करते हैं उन सब के प्रति सजग रहें कि वो सब कहाँ से उठकर आ रहे हैं। वो मोह से आ रहे हैं, वो क्रोध से आ रहे हैं, वो ईर्ष्या से आ रहे हैं, वो लोभ से आ रहे हैं, भय से आ रहे हैं, या वो सत्य से आ रहे हैं। और अपनी चेतना को ऊंचाई की तरफ मोड़ दो, आत्मा की तरफ मोड़ दो। चेतना जब वृत्तियों से संचालित नहीं होगी तो सारे संबंध
अपने आप बदल जाएंगे। फिर चाहे वह संबंध व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, विचार से हो, काम से हो, संसार से हो या संसार की किसी भी चीज़ से हो, सब बदल जाएगा।